ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश में तीन तलाक, समान नागरिक संहिता यानी UCC और पसमानदा मुसलमानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की आलोचना की और पूछा कि उन्हें पाकिस्तान से प्रेरणा क्यों मिल रही है। पीएम मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता के बारे में बात करने का जिक्र करते हुए ओवैसी ने पूछा कि क्या UCC के नाम पर देश के बहुलवाद और विविधता को छीन लिया जाएगा। पीएम मोदी ने आज भोपाल में एक बैठक के दौरान पूछा कि मिस्र में 80-90 साल पहले तीन तलाक को खत्म कर दिया गया था, अगर ये जरूरी है तो पाकिस्तान, कतर और अन्य मुस्लिम बहुल देशों में इसे क्यों समाप्त किया गया। ओवैसी ने कहा कि राजग सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया लेकिन जमीनी स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वहां तीन तलाक पर प्रतिबंध है, मोदी जी को पाकिस्तानी कानून से प्रेरणा क्यों मिल रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने यहां तीन तलाक के खिलाफ कानून भी बनाया लेकिन जमीनी स्तर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महिलाओं का शोषण और बढ़ गया है। हम हमेशा से मांग करते रहे हैं कि सामाजिक सुधार कानूनों के माध्यम से नहीं होगा, अगर कानून बनाना ही है तो उन पुरुषों के खिलाफ बनाया जाना चाहिए जो अपनी शादी से भाग जाते हैं। ओवैसी ने ट्वीट में आरोप लगाया कि एक तरफ प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनकी आजीविका छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और उन्हें पीट पीट कर मार रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े मुसलमानों के आरक्षण का विरोध करते हुए राजग सरकार ने गरीब मुसलमानों की छात्रवृत्ति रोक दी है। उन्होंने कहा, अगर पसमानदा मुसलमानों का शोषण हो रहा है तो मोदी इस बारे में क्या कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों से वोट मांगने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को घर घर जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि उनके प्रवक्ताओं और विधायकों ने हमारे प्रिय पैगंबर का अपमान करने की कोशिश की। पसमानदा मुसलमानों में पिछड़े वर्गों के लिए एक शब्द है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार यानी 27 जून को रात 8 बजे UCC को लेकर बैठक बुलाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग वर्चुअल तरीके से किया। बोर्ड ने बताया कि वो केंद्र सरकार की मंशा और तैयारियों पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 27 जून को भोपाल में कहा कि यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहा है, एक ही घर में दो कानून कैसे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में भी किया गया है। वहीं कांग्रेस ने यूसीसी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ऐसा अपनी असफलता छुपाने के लिए कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पीएम मोदी नौकरी देने का वादा नहीं कर पा रहे तो ऐसा कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।